हाय गुड इवनिंग दोस्त, और कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। और दरअसल अभी हम लोग औरंगाबाद से निकल गए हैं अपना बवापी के लिए, और रास्ते में इस टाइम पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे अंगूर की खेती जो होती है, ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से पेड़ लगा हुआ है इसका। अभी ये इसमें फल नहीं आए हैं, मगर तो पूरा ये काफ़ी दूर तक है, और नासिक में इस चीज़ को काफ़ी, नासिक जो है अंगूर की खेती के लिए काफ़ी जाना जाता है। तो ये करीब मेरी समझ से कुछ नहीं तो 1-2 एकड़ में ये चीज़ें होंगी पूरा। और वहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा लड़का बैठ के अपना बेच भी रहा है। तो चलिए ठीक है, आगे आपको दिखाते रहेंगे और भी व्यू। अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ से, आप वहीं ये पूरा पेड़ लगाया गया है, ये पूरा यूँ और पूरा एकदम हरियाली है, और काफ़ी दूर तक है यहाँ पे इस चीज़ की खेती। मैं देखते आ रहा हूँ इसकी और प्याज की। ये देखिए यहाँ पे पूरा वो किशमिश वगैरह, किशमिश अमरूद है, ये यहाँ के किसान है जो अपना पर्सनल ऐसे सुखा के अपना बेच रहे हैं, और यूं ही अपना खेतों में मकान बना के अपना खुश कलाश कर देख सकते हैं। हर जगह यूं ही अपना देखिए, ये सारी जगह पे बस ऐसे किशमिश और अमरूद। आप लोग व्यू का आनंद लीजिए। तो फ्रेंड, अभी हम लोग जो है कि नासिक से आगे आके एक होटल है वहाँ पर रुके हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है खाना खाने का। ये देखिए गाड़ी वाले एकदम बेचारे अभी सब लगा रहे हैं आके। तो यहाँ पे एक अंकिता ढाबा है, अभी देख सकते हैं पीछे का भी, और ये एक अंकिता फैमिली रेस्टोरेंट है, ढाबा है, होटल अंकिता। यहाँ एक चीज़ देखा हूँ कि जो है अंकिता होटल जो है होटल बोलते हैं, होटल को होटल कहते हैं महाराष्ट्र में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, खाना वाना खाएंगे अपना, मिलते हैं आपसे। फ्रेंड, अभी हम लोग खाना वाना अपना खा चुके हैं, और अंदर का वीडियो मैं इसलिए नहीं शूट करता क्योंकि अभी काफ़ी ड्राइवर वहाँ पर मतलब ऐसे बैठे रहते हैं, और अंधेरा टाइप का भी थोड़ा इस रूम में रहता है यहाँ पे जहाँ पे जो होटल है। तो अभी हम लोग अपना यहाँ से निकल रहे हैं, चलेंगे थोड़ा खा लेने के बाद अब थोड़ा सा आराम होगा। और ये देखिए ये पूरा ट्रक का मज़ा है, ऐसे चढ़ के इसको खोलें फिर इसमें बैठें। तो अभी जो है हम लोग, ये देखिए भैया यहाँ पे अपना अमरूद वगैरह रखे हैं, क्योंकि गए वहाँ पे तो किशमिश लिए और अमरूद। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे वापी के लिए। तो रास्ते में जो है कि जो पिछले ब्लॉग में व्यू था सेम वैसे ही व्यू रहेगा। तो और नेटवर्क का भी काफ़ी प्रॉब्लम रहता उधर, मतलब रास्ते में नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता है। तो अगर मैं वीडियो शूट करके फिर ऐसे मतलब, क्योंकि हम लोगों को शाम हो जाएगा पूरा वापी पहुँचते पहुँचते, रात तो हो ही जानी है पक्की, 7-8 बज जाएंगे। तो इस वजह से अगर ब्लॉग को लंबा करूँगा तो फिर आगे जाके नेटवर्क भी नहीं मिलेगा और ना वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। तो इस वजह से मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, तो ब्लॉग जो है अब यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल कीजिए और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आगे आपको हमेशा एक नई जगह और एक नया ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए आप लोगों को बाय।